तो सब्सक्राइब कीजिए हिंदी ट्यूटोरियल्स को और दबाइए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं तब आप अपने मोबाइल के साथ 5 ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर आपका मोबाइल का बैटरी जो है बहुत ही जल्दी उतरने लगता है। चार्जिंग आप फुल करते हैं लेकिन वो ज़्यादा 30 मिनट या 10 मिनट में जो है डिस्चार्ज हो जाता है या फिर मोबाइल का जो बैटरी होता है वो फुल जाता है या फिर मान लीजिए मोबाइल ब्लास्ट होना और मोबाइल का ओवरहीट होना, ये सब किन वजह से होता है और आपको इस वीडियो में यही सब मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको ये वीडियो जो है लास्ट तक देखना है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन सरोज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी ट्यूटोरियल्स। दोस्तों सबसे पहली गलती आप ये करते हैं जब आप अपना मोबाइल जो है चार्जिंग में लगाते हैं उस समय आप अपने मोबाइल का कवर जो है वो निकालते नहीं। इससे क्या होता है आपका मोबाइल जो है ओवरहीट होने लगता है और इससे सबसे बुरा इफ़ेक्ट आपके बैटरी पे पड़ता है जिससे आपका बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और बहुत लेट चार्ज होता है जिससे आप जब मोबाइल चार्ज लगाते हैं तो 3 या 4 घंटे में फुल चार्जिंग होता है और उतरते हुए बहुत जल्दी जो है डिस्चार्ज भी हो जाता है। अगर आप अपने मोबाइल का कवर जो है निकाल के अपने मोबाइल को चार्ज करेंगे तो इससे क्या होगा बैटरी जो है कूल रहेगी और बहुत जल्दी चार्जिंग भी होगी और बैटरी का जो लाइफ है वो अच्छा रहेगा। दूसरी गलती जो है वो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा लोग ये करते हैं कि कोई भी चार्जर उन्हें मिला उससे अपने मोबाइल को चार्ज में लगा देते हैं, चाहे मोबाइल सैमसंग का है और चार्जर सोनी का क्यों ना हो या फिर कोई भी चाइना वाइना जो भी चार्जर है उससे अपने मोबाइल को जो है चार्ज कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मोबाइल चार्ज हो गई बस उससे, इससे वो अपने मोबाइल का ही हेल्थ बिगाड़ते हैं जिससे उनका मोबाइल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और बैटरी का हेल्थ जो है बहुत बुरा हो जाता है। दोस्तों जिस कंपनी का मोबाइल है उसी कंपनी का आप चार्जर यूज कीजिए जिससे आपके बैटरी का हेल्थ भी सही रहेगा और आपका मोबाइल भी अच्छा खासा चलेगा। दोस्तों अगर मान लीजिए आपके मोबाइल के कंपनी वाला चार्जर ख़राब हो गया है तो कोई बात नहीं, आप जाके न्यू चार्जर ले लीजिए लेकिन कोई दूसरा कंपनी का चार्जर जो है इस्तेमाल ना कीजिए। तीसरी गलती के बारे में बहुत लोग नहीं जानते, तो इसमें आप क्या गलती करते हैं, आप अपने मोबाइल को बिना स्विच ऑफ किए या फिर बिना फ्लाइट मोड ऑन किए ही चार्जिंग में लगा देते हैं। अगर मान लीजिए आप बिना फ्लाइट मोड ऑन किए अपने मोबाइल को जो है चार्ज में लगा देते हैं तो इससे आपका नुकसान क्या होता है कि आपका मोबाइल जो है वो नेटवर्क जो है वो सर्चिंग में रहता है जिससे आपका बैटरी जो है यूज होता रहता है और चार्ज भी होता रहता है जिससे मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा ओवरहीट होती है और आपका जो बैटरी है उसका हेल्थ भी ख़राब होता है क्योंकि वो चार्ज भी हो रहा है और यूज भी हो रहा है। इससे आप खुद सोचिए कि आपके बैटरी जो है हेल्थ कितना ख़राब होगी। तो प्लीज़ आप जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो उस समय आप अपने मोबाइल का फ्लाइट मोड ऑन कर दीजिए या फिर मोबाइल को जो है स्विच ऑफ कर दीजिए। चौथी गलती फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग ये करते हैं कि जब मोबाइल चार्ज हो गई है मान लीजिए 90% हो चुकी है तो सोचते हैं क्यों ना 100% कर ले और 100% हो जाता है तो भी उसी में लगा के रखते हैं कि थोड़ा और चार्ज हो जाएगा तो और ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इससे उनके मोबाइल का जो है हेल्थ, मोबाइल की हेल्थ जो है बहुत बेकार होती है और ये बैटरी जो है बहुत ज़्यादा एकदम से समझ लीजिए ख़राब ही हो जाता है। आप कभी भी अपने मोबाइल को जो है 90% या 95% से ऊपर चार्ज ना कीजिए। बहुत लोग तो 100% डेली करते हैं, इससे उनका जो है बैटरी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने के बाद ख़राब हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 100% आप अपने मोबाइल को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। तो प्लीज़ आप अपने मोबाइल को जो है ऐसा 100% चार्ज मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 95% बहुत ज़्यादा ओवर हो गया, बस इससे ज़्यादा ना कीजिए। पांचवी गलती जो है अक्सर बहुत लोग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। दोस्तों वो लोग करते क्या हैं, उनके पास चार्जर होता है लेकिन वो अपने मोबाइल को जो है चार्जर से चार्ज नहीं करते और लैपटॉप या डेस्कटॉप में USB केबल लगा के अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से मोबाइल की हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होता है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने मोबाइल को अपने चार्जर से ही चार्ज कीजिए, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से, ना कि लैपटॉप डेस्कटॉप से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पांचों के पांचों टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इन सभी के बारे में पता चले। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियो आते रहते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं आपके लिए।